और आज 10 अक्टूबर, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं सोकर उठ गया हूँ और बस ब्लैक कॉफ़ी पी के जाना है जिम। और आज मेरा डे 7 90 डेज चैलेंज का, सो मिलता हूँ आपको सून। जब तक के लिए स्टेडियम लिए हैं जिम के लिए, जा रहे हैं कार्डियो करेंगे। आज का टारगेट है 700 to 800 कैलोरीज बर्न करना सिर्फ मॉर्निंग में, सो मिलता आपको सून जब तक स्टेडियम। सो गाइस, कार्डियो कर दिया था हमने चालू और धीरे धीरे वॉकिंग कर रहे थे, अपनी इंक्लाइन स्पीड बढ़ा रहे थे और फिर जैकेट उतारी हमने बिकॉज बहुत गर्मी लग रही थी 20 से 25 मिनट वॉक करने के बाद। और आप देख सकते हैं गाइज, अप्रॉक्स 550 से 600 कैलोरीज मैंने बर्न कर लिए 25-30 मिनट में और बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अब मैं जाऊँगा साइकिल चलाने, फिर उसके बाद जाएंगे हम रूम फ्रेश होकर, रूम के लिए नहा धोकर पूजा करके निकल जाएंगे हम कॉलेज के लिए। अभी जा रहे हैं दूध और पनीर लेने, सो मिलता आपको सून। जब तक के लिए स्टे होंगे, रेडी होकर निकल लिए कॉलेज के लिए, जाएंगे बस में बैठ के कॉलेज, फिर जाएंगे हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल, सो मिलता आपको सून। जब तक के लिए स्टे होंगे, सभी को जय माता दी और जय श्री राम। आ गए हैं कॉलेज, हम कॉलेज आ गए। बोलो बोलो, आप ही तो व्लॉग बनाती हैं। जा रहे हैं गाइस साइन इन करने, तो आज मिलते हैं सून, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, ओके। मैं तो लुटपुट गई, श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले भगवान आत्मा हो, भाग्यवान आत्मा हो, सॉरी गाइस। भाई आप पढ़ लें, हिंदी पढ़ते नहीं आपके भाई। आप श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले भाग्यवान आत्मा। ओके, भगवान नहीं है गाइस, भाग्यवान है। आई एम सॉरी, आई रियली अपॉल। सो गाइस, फिर संदीप के केबिन पे जाके हमने हमारे बेस्ट फ्रेंड हिमांशु को कॉल करा वीडियो कॉल और बहुत मस्ती कर रहे थे हम उसके साथ। जय सियाराम भाई, जय सियाराम, आशीर्वाद है आपका, हमारा आशीर्वाद है। तो भाई मस्ती करने के बाद आ गए थे हम लंच करने में दोस्तों के साथ और बढ़िया से करा लंच और मस्ती करी, बहुत सारी बात करी। लंच करते करते ही हंस रहे थे हम लोग, एंड साइंड बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद चले गए थे हम हमारे कैबिन डाटा निकालने के लिए, निकालने उसमें प्रिंसिपल सर से ये हमारा। सो गाइस, निकाला डाटा, उसके बाद चले गए हम हमारे कैबिन डाटा लिखने के लिए और हमारी आ गई थी कॉफ़ी। कॉफ़ी पी संदीप भाई के साथ, थोड़ी मस्ती करी, फिर आ गए थे उमा के पास। एंड गाइस, अब देखना आप उमा की हरकत कैसी हरकतें करती है, पागल जैसी। पता था तो कुछ ना कुछ तो करने वाली है। अरे यार, तू भी मान जा रही है। तू याद है, बच गए 4:15, जा रहे हैं। इसकी सुन लो, मेरा चैनल नहीं है, इसका चैनल है, ये बताएगी क्या कर रहे हैं। तो गाइस, जा रहे हैं साइन आउट करने, फिर जाएंगे वहां से रूम। बस में बैठ के मिलता हूँ आपको रूम में, जब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। उमा आप कुछ बोल रही है भाई? सौरभ वो पोज, सौरभ भाई, सौरभ भाई वो पोज देख देते हैं। और रेडियो पर अब जा रहे हैं जिम रेस्ट कर कर और आज हम करेंगे चेस्ट वर्कआउट, तो मिलता आपको सून जिम में, स्टे ट्यून्ड। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद हमने कर दिया वार्म अप चालू। वार्म अप में हमने पुशअप्स मारे और थोड़ी बहुत करी एक्सरसाइजेस, 20 से 25 मिनट करा वार्म अप, फिर चले गए हम चेस्ट वर्कआउट करने। हमारा नॉर्मल डंबल प्रेस हमने करा स्टार्ट, हमारा चेस्ट वर्कआउट। पहला जो साइड था उसके रेपिटेशन अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 थे और यहाँ पर मेरे भैया ट्रेनर आए, मुझे कहते थोड़ा अच्छे से करो और आज थोड़ी जल्दी थी, मुझे
जल्दी जल्दी वर्कआउट कर रहा था बिकॉज गाइस जाना है आज हमें गरबा नाइट गरबा खेलने के लिए। उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस करा हमने अप्रॉक्सीमेटली इसके 5 से 6 सेट मारे। पहला दूसरा तीसरा जो सेट रहता है वो हाई रेपिटेशन का रहता है और लास्ट का सेट थोड़ा हैवी रहता है। उसके बाद चेस्ट प्रेस मशीन पे इसके मैंने 4 से 5 सेट मारे। पहला दूसरा जो सेट रहता है वो हाई रेपिटेशन का रहता है। उसके बाद गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी वर्कआउट करना था तो इसलिए 4 से 5 ही एक्सरसाइज ट्राई करी हमने आज चेस्ट की। उसके बाद चले गए केबल्स पे करा हमने चेस्ट वर्कआउट। इसके हमने मारे 4 से 5 सेट। पहला जो सेट था उसकी रेपिटेशन मैंने 40 से 50 लिए और बहुत अच्छा गाइस चेस्ट पूरा पंप हो गया था, बहुत मज़ा आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते करते एक्साइटेड हो रहा था बिकॉज गरबा खेलने जाना है, दैट्स वाई गाइस। उसके बाद करी हमने हमारी लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट की। उसके बाद चलेगा फ्रेश होकर हम रूम के लिए। सो गाइस चेस्ट वर्कआउट हो गया कंप्लीट और आज 1.5 घंटे पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लिया और कार्डियो में सिर्फ हमने स्किपिंग करी अप्रॉक्स 500-700 बिकॉज आपका भाई जा रहा है गरबा करने। लास्ट डे आज गरबे का, सो प्लान करा दोस्तों के साथ जाएँ। सो जाता हूँ, नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, निकलेंगे गरबे के लिए। सो बताते सुन स्टेडियम गाइस बढ़िया से हो गए अपन रेडी गरबे के लिए। अब जाएंगे गरबे में करेंगे थोड़ा सा गाड़ी नच नच के कैलोरी बर्न करेंगे। तो ड्राइवी अपनी बढ़िया है दीदी के संगीत की तो यही पहनगी। तो मिलता आपको सुन जब तक के लिए स्टेडियम। गाइस निकलनी है गरबा करने के लिए तो मिलते हैं आपको गरबा में स्टेडियम, मज़े करेंगे बहुत आज। सो गाइस फाइनली हम आ गए थे गरबा ग्राउंड भोजपाल गरबा महोत्सव में और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे। ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, हमारी बैचमेट्स ही थे। गाइस एंटर हो गए भोजपाल गरबा महोत्सव में, हम जा रहे हैं अंदर, करेंगे हम डांस गरबा। सो गाइस देख सकते हैं आप हमारे फ्रेंड्स की एक्साइटमेंट, निशा तो अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट में और वैभवी भी एंटर हो गई थी। गाइस हम एंटर हो गए थे भोजपाल गरबा महोत्सव में और बहुत बढ़िया था। फिर हमने बढ़िया हमारा सर्कल बनाया, डांस करा अलग अलग लोगों के साथ, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स थे तो उनमें हम मिल गए थे सब फ्रेंड्स। फिर हमने एक साथ डांस करा और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गरबा में। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 साल बाद कर रहा था और सॉन्ग्स भी बहुत बढ़िया बज रहे थे और बढ़िया जेठालाल वाला स्टेप कर रही थी निशा एंड वैभवी भी जेठालाल उदय वाली स्टेप कर रहे थे। फिर नॉर्मली हमने 1 से 2 घंटे करा गरबा और लिटरली गाइस बहुत ही अमेजिंग था यहाँ का पूरा जो सिस्टम था, मतलब पूरा गरबा नाइट जैसी थी, डीजे नाइट जैसी नहीं थी बिल्कुल भी। बढ़िया से गाइस हमने डांस करा गरबा करा, बहुत ही अमेजिंग, मैं बता ही नहीं सकता आपको कितना अच्छा लग रहा था गरबा करते करते।
एंड फिर गाइस एंड में हमने पी छांच थोड़ी सी, वो थोड़ी सी अच्छा लगा ठंडा ठंडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नच रहे थे हम, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे नचे और बहुत ही अमेजिंग था गाइस आज का गरबा। फिर हम लोग चले गए सारे दोस्त लोग वापस हमारे घर, हमारे रूम वापस, और बहुत ही बढ़िया था गरबा, बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो अब जा रहा हूँ मैं सोने। और आज का ब्लॉग प्लीज़ देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। सो मिलता आपको कल, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम, जय माता दी सभी को, गुड नाइट, मिलते हैं आपको सून, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।